पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गईं, चलाई गईं और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गईं जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है। और मुझे आश्वासित भी किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का, कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है, मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, पर हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है, और ये बात भी जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा, मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ।